यूपी के बलियों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक दवाओं का अभाव है और दवाओं के अभाव में डॉक्टरों ने मरीजों को प्राइवेट दवा की दुकानों से दवा लेने के लिए मजबूर करते हैं और मरीजों को औने पौने दामों में दवा खरीदने के लिए विवश होना पड़ता है। लेकिन वही बलिया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां CMSD में रखी दवाओं में से लगभग लाखों रुपए की दवाएं एक्सपायर हो गई हैं और वह भी तब पता चला जब उस CMSD को खाली कराया जा रहा था। ट्रेनिंग के लिए इस CMSD से पूरे जनपद में CHC, PHC और जिला अस्पताल को दवाएं भेजी जाती हैं। ऐसे में दवाओं का एक्सपायर होना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। वहीं बलिया CMO का कहना है कि मैटर संज्ञान में आया है, जब हम लोग CMSD खाली करवा रहे थे ट्रेनिंग के लिए, तो कुछ दवाएं जो 2013 में एक्सपायरी हैं और इस संबंध में ACMO से आख्या मांगी गई है, फार्मासिस्ट द्वारा निष्पादन नहीं किया गया था। आख्या उपलब्ध होते ही संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की संतुष्टि करेंगे। कितने की दवा एक्सपायर हुई है इसका आकलन नहीं हो पाया है। एक्सपायरी में 2021 की भी दवा कुछ है, कास्ट का आकलन कर लिया जाएगा। यह एक गंभीर अपराध है। आख्या उपलब्ध होने पर कार्यवाही की जाएगी। यह मैटर संज्ञान में आया है जब हम लोग NMTC खाली करा रहे थे ट्रेनिंग वगैरह के लिए और निर्माण कार्यों के लिए, तो कुछ दवाएं मिली हैं जो कि 2013 एक्सपायरी हैं और इस संबंध में हमने ACMO स्टोर से आख्या मांगी है। संभवतः तत्कालीन फार्मासिस्ट द्वारा इसका निष्पादन नहीं किया गया था, जिसके चलते ये दिक्कत आई है। आख्या उपलब्ध होते ही फिर हम लोग संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करेंगे। सर, लगभग कितने की दवाएं होंगी? अभी इसका आकलन नहीं हुआ है, जब सारी लिस्टें बन जाएगी तो फिर इसका आकलन कर लिया जाएगा। 2021 की भी दवा कुछ है तो हमने सबकी इन्वेंट्री बनाने के लिए कहा है, इन्वेंट्री बन जाती है फिर उसके कॉस्ट का आकलन कर लिया जाएगा। यह एक गंभीर अपराध है और आख्या उपलब्ध होने के बाद फिर हम कार्रवाई की। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।